किस तरीके से गंगा जो है पूरी अपनी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। हालांकि सरकार ने काफ़ी कुछ पहल किया है, लेकिन फिर भी जो नाविक हैं, जो नाव चलाने वाले हैं, वो अभी भी इस स्थिति में भी गंगा में नाव लेकर उतर जाते हैं। कहा जा सकता है कि कभी भी किसी तरह की अप्रिय घटना भी हो सकती है। इन लोगों को सरकार के द्वारा आदेश भी दिया गया है कि अभी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और गंगा में प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मानने को राजी नहीं हैं, गंगा में प्रवेश करते नज़र आ रहे हैं। जो नाविक हैं वो भी लगातार गंगा में प्रवेश करते नज़र आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से किस तरीके से लोग नाव लेकर पानी में घूमते नज़र आ रहे हैं और लोग बच्चे जो हैं वो पानी में अटकेलियाँ भी करते यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है और बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। पटना के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां तटबंध टूट चुका है और तटबंध टूटने के कारण लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जो हैं वो लड़के जो हैं वो पानी में अटकेलियाँ करते नज़र आ रहे हैं, दीवार पर से कूदते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी जो है बच्चे पूरी पानी में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और पानी में इतना ज़्यादा करंट है कि अगर उस करंट में आप अगर फंस जाएं तो फिर आपका पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ जाकर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद भी सरकार ने काफ़ी कुछ गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं हैं और गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ईटीवी के लिए पटना से राजीव रंजन।